हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और हम यहाँ पर क्लास 11th की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पोएम 4, चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नैटन। बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर, लेट अस डिस्कस द टाइटल। टाइटल है चाइल्डहुड, यानी के बचपन। तो इस पोएम में पोएट अपने बचपन के गुम हो जाने की बात कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कब, व्हेन डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड, ये उनका सवाल है, जिसके बारे में वो अलग अलग ऑप्शंस सोचते हैं। हर स्टैंजा में वो एक अलग ऑप्शन हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि हो सकता है तब उनका चाइल्डहुड खत्म हो गया, हो सकता है तब उनका चाइल्डहुड खत्म हो गया। लेकिन वो इस पोएम द्वारा ये बताना चाहते हैं कि वो अपने बचपन को मिस करते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि कब उनका बचपन और बचपना उनसे दूर हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। तो आइए ये पोएम पढ़ते हैं। इसमें टोटल 4 स्टैंजाज हैं और चारों स्टैंजाज में पोएट हमारे साथ एक अलग टाइप की फीलिंग डिस्कस करते हैं। स्टैंजा 1 कुछ इस तरह से है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब seized का मतलब है stopped या ended। तो सबसे पहली लाइन में ही पोएट अपना सवाल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि उनका बचपन कब चला गया, कब उनका बचपन उनसे दूर हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। तब फिर वो कहते हैं कि क्या वो दिन था जब उनकी एज 11 इयर्स से आगे बढ़ गई, यानी कि वो 11 इयर्स की एज को क्रॉस कर गए। 11 इयर्स की एज को क्रॉस करने के बाद सब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हो सकता है तब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया हो, या फिर वो टाइम था जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन कोई जगहें नहीं है और आप उन्हें ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढ सकते। अब छोटे होते बच्चों को यही सुनने में मिलता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप हेवन में जाएंगे और अगर आप बुरे काम करेंगे तो आप हेल यानी कि नर्क में जाएंगे। तो ये जो स्वर्ग और नर्क है, छोटे बच्चों को ऐसे लगता है कि ये कोई जगह है, ये कोई प्लेसेस हैं और इन्हें आप ज्योग्राफी की बुक में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी की बुक में हर एक जो फिजिकल एट्रीब्यूट है धरती का, उसे पाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जब ये रियलाइज किया कि हेल एंड हेवन ऐसी कोई जगहें नहीं हैं, इन्हें आप ज्योग्राफी की बुक में नहीं पा सकते, ये तो एक इमेजिनरी जगहें हैं, क्या हो सकता है तब उनका बचपन उनसे दूर चला गया, क्या पता तब वो इतने बड़े हो गए कि वो ये चीजें समझने लग गए। जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुई कि हेल एंड हेवन एक्चुअली कोई जगहें है ही नहीं, और फिर वो कहते हैं कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया। तो इस स्टैंजा में वो रैशनल थॉट ला रहे हैं, वो लॉजिकली ये सोच रहे हैं कि उनका बचपन उनसे कब दूर हो गया, जब उनकी एज 11 ईयर से बढ़ गई और वो और बड़े हो गए, या जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हेल एंड हेवन नाम की कोई जगहें नहीं है, इन्हें आप ज्योग्राफी की बुक में नहीं ढूंढ सकते, ये तो एक सिंबॉलिक बात है जो की जाती है। अगले स्टैंजा में वो कहते हैं, When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? इस स्टैंजा में फिर से वो अपना सवाल दोहराते हैं और फिर वो यहाँ पर एक नया थॉट हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया, जब मैंने ये रियलाइज किया कि जितने भी अडल्ट हैं, यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं, वो वैसे नहीं है जैसे कि वो देखने में लगते हैं, यानी कि वो हिपोक्रिट्स हैं। हिपोक्रेसी एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी क्वालिटी है कि आप सच में वैसे नहीं होते जैसा आप पोर्ट्रे करते हैं, जैसा आप दिखाते हैं दूसरों को। तो आप असल में कुछ और हैं लेकिन दिखावा किसी और चीज का करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस दिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जितने भी बड़े हैं उनके आसपास, वो वैसे नहीं है जैसा वो दिखावा करते हैं, हो सकता है उस दिन उनका बचपन उनसे दूर हो गया क्योंकि वो बड़े हो गए, मेच्योर हो गए, जो कि वो ऐसा सोचने लगे। उनके जितने भी बड़े हैं, जितने भी अडल्ट्स हैं, वो प्यार की बात करते हैं, सबको कहते हैं कि आपस में प्यार करो, प्यार से रहो, लेकिन
जब उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में इतने प्यार से नहीं रहते, जबकि वो इस चीज का प्रीच करते हैं, जबकि वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, सबको तो कहते हैं कि प्यार करो, प्यार से रहो, लेकिन खुद उनके बिहेवियर में ये चीज नहीं है। तो हो सकता है वो दिन था जब उनका बचपन उनसे दूर हो गया। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन टू यूज व्हिच एवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माय ओन एंड माइन अलोन, वाज दैट द डे। अब इस स्टैंजा में एक बार फिर से वो अपना प्रश्न दोहराते हैं, वो पूछते हैं कि मेरा बचपन मुझसे दूर कब चला गया, और यहाँ पर वो कौन सा थॉट हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, इंडिविजुअलिटी का। वो ये कहते हैं कि जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग मेरा है और मैं उसे किसी भी वे में यूज कर सकता हूँ, अपने ख्याल प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और वो ख्याल मेरे ख्याल होंगे, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरे अपने ख्यालात हैं, तो उनमें जब ये इंडिविजुअलिटी का ट्रेट आया, वो मेच्योर हो गए, तो कहते हैं कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया। अब बच्चे कैसे होते हैं, उनमें सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो खुद भी कुछ हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जब उन्हें ये लगा कि वो खुद भी कुछ हैं, तो हो सकता है उस दिन उनका बचपना दूर हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब यहाँ पर फाइनली वो कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर से वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इससे पहले के तीन स्टैंजाज में वो वेन यानी कि कब की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो कहाँ चला गया। तीन स्टैंजाज में उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दी कि उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन उनसे कब अलग हुआ, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया, और फिर वो उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि वो किसी फॉरगॉटन जगह पर चला गया, कोई ऐसी जगह जिसके बारे में वो अब भूल चुके हैं, और वो जगह एक छोटे बच्चे के चेहरे में छुपी हुई है, क्योंकि छोटे बच्चे के चेहरे में ही हमें बचपना देखने को मिलता है, इनोसेंस देखने को मिलती है। और फाइनली वो कहते हैं कि मुझे इतना ही पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के चेहरे में बचपना होता है सबका, सब छोटे बच्चों को देखकर अपना चाइल्डहुड रिकलेक्ट करते हैं। राइटर ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी छोटे बेबी को, इन्फेंट को देखते हैं, उसके चेहरे में हम अपना बचपन देखते हैं, हम अपने बचपने की झलक देखते हैं, तो उनका बचपन भी कहाँ चला गया, ऐसे ही किसी छोटे बेबी के चेहरे में। और इसके साथ ही हमारी ये पोएम खत्म होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉस्टैल्जिक पोएम थी। हम सब अपने बचपन के बारे में सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हमारा बचपन भी कब कहाँ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। अब हम इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैंजा में पहला लिटरेरी डिवाइस है इस स्टैंजा की राइम स्कीम। स्टैंजा वन की राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी, ए इलेवन हेवन, बी ज्योग्राफी, बी सी एंड डे डी। तो राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी। नेक्स्ट डिवाइस जो पूरी पोएम में यूज हुआ है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन इज द रेपिटेशन ऑफ अ फ्रेज। तो पूरी पोएम में जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है ये बार बार रिपीट हो रही है, सारे स्टैंजाज में यही फर्स्ट लाइन और यही लास्ट लाइन है, सिर्फ लास्ट स्टैंजा में वेन की जगह वेयर यूज हो रहा है। तो ये रिफ्रेन है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि पोएट किसी पर्टिकुलर चीज पर एम्फोसाइज डालना चाहते हैं, वो उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, वो उस फ्रेज को बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारी इस पोएम का मेन एम ही ये है, पोएट ये सोच रहे हैं कि उनका बचपन उनसे कब दूर हो गया, और फिर वो अलग अलग इंस्टेंसेस गैस करके कहते हैं कि क्या वो दिन था जब उनका बचपन उनसे दूर हो गया, इसलिए उन्होंने रिफ्रेन का डिवाइस यूज किया है अपनी बात पर जोर डालने के लिए। स्टैंजा वन में नेक्स्ट डिवाइस जो यूज हो रहा है वो है एनाफोरा। एनाफोरा डिवाइस क्या है, किसी भी
दो या दो से ज्यादा लाइंस की स्टार्टिंग में अगर सेम वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज एनाफोरा। यहाँ देखिए लाइन टू एंड लाइन थ्री सेम वर्ड से यूज हो रही है, वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, सो वॉज इट द रिपीट हो रहा है, दिस इज एनाफोरा। नेक्स्ट डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस क्या है? अगर किसी लाइन में कोई भी वाउल साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है उसे हम एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि लाइन टू में ई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, इवन लाइन थ्री में, दोनों में ई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, ये एसोनेंस है। नेक्स्ट डिवाइस इन दिस स्टैंजा इज एंटी थीसिस। एंटी थीसिस इज जब दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। यहाँ देखिए हेल एंड हेवन, ऐसे जब दो ऑपोजिट्स वर्ड्स इतनी क्लोजली यूज होते हैं किसी पोएम में, उसे हम एंटी थीसिस का डिवाइस कहते हैं। अब हमें इस स्टैंजा में एलिट्रेशन भी देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए हेल एंड हेवन, हर साउंड इज रिपीटिंग इन दीज टू वर्ड्स। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अब इस स्टैंजा में कोई राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट डिवाइस है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या है? जब एक ही सेंटेंस दो लाइंस में जाता है और उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज होता। यहाँ देखिए लाइन टू और लाइन थ्री में एंजैबमेंट है, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। तो ये एक ही सेंटेंस है जो दो लाइंस में कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, सो दिस इज द डिवाइस ऑफ एंजैबमेंट। और इस स्टैंजा में भी रिफ्रेन यूज हो रहा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, लाइन वन एंड लाइन सिक्स रिपीटेड है। स्टैंजा थ्री में देखते हैं, इस स्टैंजा में भी कोई राइम स्कीम नहीं है। देन डिवाइस यूज हियर इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? जब आपका सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, टू यूज विच एवर वे आई चूज, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, आई चूज विच एवर वे, या फिर आई चूज द वे आई वॉन्ट टू यूज। लेकिन यहां पर टू यूज विच एवर वे आई चूज, पोएट ने सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन्वर्ट कर दिया है, ये एक पोएटिक लाइसेंस है जो कि उन्होंने यूज किया है। यहां पर भी हमें एसोनेंस देखने को मिलती है। इन लाइन फोर ओ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। देन देर इज एलिट्रेशन ऑल्सो। एलिट्रेशन इज वेन अ कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजेकेटिव वर्ड्स। यहाँ पे देखिए थॉट्स दैट द साउंड इज रिपीटिंग इन दीज टू वर्ड्स, दिस इज एलिट्रेशन। अगेन हियर माई माइंड, यहाँ पर म साउंड इज रिपीटिंग इन दीज टू वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का एक और इंस्टेंस है विच एवर वे, यहाँ पे व साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी हमें इंजैबमेंट देखने को मिलती है। यहाँ देखिए प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, सो द सेम सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूइंग एंड देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क ओवर हियर, सो दिस इज इंजैबमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू स्टैंजा फोर। स्टैंजा फोर में भी राइम स्कीम है। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। गो एंड नो आर राइमिंग, प्लेस एंड फेस आर राइमिंग। देन वी कैन सी एनाफोरा इन दिस स्टैंजा ऑल्सो। लाइन थ्री एंड लाइन फोर के स्टार्टिंग वर्ड सेम है, दिस इज एनाफोरा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मेनी मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी।